बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर बे 2020-21 अवर लेक्चर फॉर टुडे इज द सेकंड पोएम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। फर्स्ट पोएम वाज डिलीवर्ड या लेक्चर वाज डिलीवर्ड ऑन द फर्स्ट पोएम इन द प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी आर टेकिंग द सेकंड पोएम। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, खुश जिंदगी गुजारने वाला किरदार या इंसान। सर हेनरी वॉटन, ये इसका शायर है, पोइट है, सर हेनरी वॉटन। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना वो खुश पैदा हुआ है या उसे सिखाया गया है। That serveth not another's will, जो दूसरों की ख्वाहिश की पैरवी नहीं करता। Whose armor is his honest thought, जिसकी पोशाक उसकी ईमानदारना सोच है। जिसका ओढ़ना बिछोना, आर्मर कहते हैं मोस्ट, जैसे आज जैसे मान लेते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, a kind of covering, a kind of shelter from any attack, as in olden days a kind of wearing was worn at the time of war to protect chest from attack, chest and belly from attack, that was called armor, urdu mein se zireh kehte the। In these days bulletproof jacket is also called armor, and a vehicle which is safe from any attack, yeah, which is a bulletproof is also called armor। Whose armor is his honest thought, jiski poshak jiske difa uski imandarana soch hai, and simple truth his utmost skill, aur sada sachai uski sabse badi maharat hai। Whose patience not his masters are, जिसके जज्बात उस पर हुक्मरानी नहीं करते। Whose soul is still prepared for death, जिसकी रूह हर वक्त मौत के लिए तैयार रहती है। Not tied unto the world with care, वो दुनिया की किसी भी परवाह से बंधा हुआ नहीं है, carefree है। Not tied unto the world with care, वो दुनिया के किसी भी प्रवाह से बंधा हुआ नहीं है। आप पब्लिक फेम, आप प्राइवेट ब्रीथ, हुकूमत की तरफ से इनामात इकरामात हो या फिर अवाम की तरफ से वाह वाह हो, अप्रिसिएशन हो, अपलॉज हो, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। Who envies none, वो किसी से हसद नहीं करता। That chance doth raise, अगर किसी पे किस्मत मेहरबान हो, जिस किसी की किस्मत संवर जाए तो वो उस पर हसद नहीं करता। Nor vice who never understood, वो ऐसी कोई बुराई नहीं करता जो समझ से बाहर, या सोच समझ के कोई बुराई नहीं करता। गलती करना इंसान का काम है, लेकिन इरादतन मीन्स विलिंगली इंटेंशनली नहीं करता। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज, कितने गहरे जख्म देती है तारीफ। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज, कितने गहरे जख्म देती है तारीफ। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वो रियासत के कवानीन को नहीं मानता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के उसूलों को मानता है, नेकी के उसूलों को मानता है। Who hath his life from rumors freed, जिसकी जिंदगी जिंदगी अफवाहों से आज़ाद है, अफवाहों से पाक है। Whose conscience is his strong retreat, जिसका ज़मीर उसके लिए मजबूत पनाहगाह है, retreat पनाहगाह, छुपने की जगह, resting place। Whose state can neither flatterers feed, जिसकी कोई रियासत नहीं है खुशामदियों को खिलाने के लिए, खुशामदी लोगों का पेट भरने के लिए,
कोई रियासत नहीं उसके पास, कोई जागीर नहीं है। नारियून मेक अक्यूजर्स ग्रेट, न ही बड़े इल्ज़ाम लगाने वाले कोई उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। नई किताबों में ऑपरेसर्स है, पुरानी किताबों में अक्यूज़र्स है। अक्यूज़र्स मीन्स इल्ज़ाम लगाने वाले, ऑपरेसर्स मीन्स सताने वाले, तकलीफ देने वाले। नारियून मेक अक्यूज़र्स और ऑपरेसर्स ग्रेट, न ही इल्ज़ाम लगाने वाले या तकलीफ देने वाले से कोई बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो कि अल्लाह ताला की रात को देर से और सुबह सवेरे इबादत करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, हिज बड़ा है, एच बड़ी है अल्लाह के लिए, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ज़्यादा उसकी अजमत के लिए। देन गिफ्ट टू लर्न, ना कि तहाइफ हासिल करने के लिए या इनामात इकरामात हासिल करने के लिए। अल्लाह की ब्लेसिंग्स तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन वो अल्लाह वाला बंदा जो अल्लाह से की इबादत करता है तो उसकी अजमत को पहचान के उसकी इज्जत करता है, इबादत करता है लालच में नहीं। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और अपने वो पुरसकून दिन गुजारता है। एंटरटेन्स मीन्स स्पेंड्स, हार्मलेस डे पुरसकून दिन गुजारता है। हार्मफुल मीन्स नुकसान देने वाला, हार्मलेस मीन्स बेजरर, जिसमें वो किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाता। With a well chosen book or friend, किसी अच्छी तरह चुने हुए किताब या दोस्त के साथ। This man is freed from servile bands, ये इंसान आज़ाद है ग़ुलामी वाले रिश्तों से, ताल्लुक से। बैंड्स मीन से रिश्ते, ताल्लुक, टोले, टोले भी है, बी ए एंड ई, बैंड, टोला। Of hope to rise, ना उसे कोई उम्मीद है बहुत ऊँचाई तक जाने की। आर फियर टू फॉल, ना ही उसे कोई खौफ है पस्ती में जाने का। लॉर्ड ऑफ हिमसेल, वो अपना रईसाब है। दो नॉट ऑफ लैंड, हालांकि उसके पास कोई ज़मीनें नहीं हैं। एंड हैव नथिंग येट हेथ ऑल, देखने में तो उसके पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी सोचो तो उसके पास सब कुछ है। डियर स्टूडेंट, दिस वॉज द ट्रांसलेशन। नो आई वॉन्ट टू डिफाइन, How happy is he born or taught? Mostly we people complain at our birth. Because there is a social division in the society. Upper class, middle class, lower class. Therefore, people of middle class or lower middle class often complain while taking to their birth. But man of God is always happy with his birth. Means वो अपनी पैदाइश में नाराज़ नहीं है, और उसे अंदाज ऐसी का और टाट उसे सिखाया गया है जीना इस दुनिया में, किस तरह जीना है। That serveth not another's will, जो कि दूसरों की ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करता। विल मीन्स ए ख्वाहिश। हम में से बहुत से लोग जो हैं अपने ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए दूसरों की जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन अल्लाह वाला बंदा ऐसा नहीं करता। दूसरी लाइन कहते हैं, हुज आर्मर हीज ऑनेस्ट थॉट, आम लोग अपने दिफा के लिए बड़े बड़े बंगलोज बनाते हैं, बंकर्स बनाते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीद करते हैं, बड़े गार्ड रखते हैं, लेकिन अल्लाह वाले बंदे के पास ये चीज़ें नहीं होती, ना ही उसे इन चीज़ों की ज़रूरत है। उसका दिफा तो सिर्फ उसकी ईमानदाराना सोच है जो उसे शैतान के शर से बचाती है। ईमानदाराना सोच उसके लिए आर्मर है। एंड सिंपल टू थीज एटमिस्ट स्किल, हमारी पहचान अपने हमारी स्टेटस से होती है, गाड़ी से, कपड़ों से। खानदानी पहचान से, लेकिन अल्लाह वाले की पहचान की एक ही पॉइंट है, अटमोस्ट सिंपल ट्रुथ। उसकी जो अटमोस्ट स्किल है, सबसे बड़ी महारत है, पहचान है उसकी, सिंपल ट्रुथ, वो सादा सच्चाई रखता है।
हर बात में सच्चाई रखता है। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसके जज्बात उस पर हुक्मरानी नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, पैशंस चाहे वो दुख भरे हों या खुशी भरे हों, एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड एट द टाइम ऑफ एंगर वी लूज अवर पेशेंस, हम अपने जज्बात पे कंट्रोल खो देते हैं, हम बहुत गलत बकते भी हैं और बहुत ज़्यादा शिकायतें भी लगाते हैं। मीन्स हमारे जज्बात गुस्से के वक्त या खुशी के वक्त हम पे हावी हो जाते हैं और हम कभी कभार अनसिविलाइज्ड बिहेवियर करते हैं, लेकिन अल्लाह वाले के जज्बात उस पर हुक्मरानी नहीं करते, वो अपने जज्बात पे मास्टरी करता है, हुक्मरानी करता है, हमेशा अपने जज्बात को काबू में रखता है। हू सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसका रूह हर वक्त मौत के लिए तैयार होता है। हम लोग मौत के लिए तैयार नहीं हैं, हर वक्त सोचते हैं ये भी आसाइशें मैं अपना लूँ, ये मज़े भी उड़ा लूँ, ये चीज़ें भी हासिल कर लूँ, दुनिया की ये खुशी भी मुझे मिल जाए, फिर मौत को देखेंगे। मरने के लिए तैयार नहीं, दुनियावी चीज़ के हासिलात में दौड़ दौड़ के हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मौत की तैयारी नहीं। मगर अल्लाह वाले का रूह हर वक्त मौत के लिए तैयार होता है, हर हाल में वो मौत की तैयारी रखी होता है। नॉट टाइड अन टू द वर्ल्ड विथ केयर, हम दुनिया की बहुत सी परवाह करते हैं, इस चीज़ की परवाह करते हैं, उस चीज़ की परवाह करते हैं, और फिर इन परवाह करते करते अपने असली उसूल भी भूल जाते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, सिर्फ अपना ताल्लुक, ही कीप्स हिज कॉन्टेक्ट फॉर्म विद द गॉड, वो अपना ताल्लुक उससे मजबूत रखता है और दुनियावी चीज़ों की परवाह नहीं करता। अ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ, हम बड़े लालची और भूखे होते हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से इनामात इकरामात मिले, हमारा कोई सोशल स्टेटस हो, बड़ा मकाम हो, और जहाँ पे भी जाए हमें आवाम पहचाने, हमें आवाम इज़्ज़त दे, हमें तरजीह दे, प्रेफरेंस दे, आगे आगे हमें बैठने की जगह मिले, हम नुमाया जगह पे बैठे हैं, हम नुमाया पोजीशन वाले हों, लेकिन अल्लाह वालों को इन चीज़ों की परवाह नहीं है, न वो हुकूमत से कुछ मांगते हैं, न आवाम की तारीफ के मोहताज होते हैं। हु एनवीज नन दैट चांस डोथ रेस, वो किसी से भी हसर नहीं करता जिस पे किस्मत मेहरबान होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं हमारे माशरे में, अगर कोई मेहनत करके अपनी मेहनत से कुछ अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेता है, बेहतर बना लेता है, तो वो जो पीछे रह जाते हैं उनसे हसद करने लगते हैं, या जो उससे पहले आगे थे वो हसद करने लगते हैं जब ये उनके साथ पहुंच जाता है। इसे कोई सोशल स्टेटस या कोई इज़्ज़त वाला मुकाम मिलता है गरीब को, तो दूसरे लोग उससे हसद करने लगते हैं, लेकिन अल्लाह वाला उनसे हसद नहीं करता, अल्लाह वाले में हसद का मादा नहीं होता। नारवाइस हू नेवर अंडरस्टूड, हम ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए बहुत सी बुराइयां करते हैं, दूसरों को देख के, किसी को राज़ी करने के लिए, किसी के साथ मिलके हम कोई बुराई कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह वाला ऐसा नहीं करता, वो सोच समझ के कोई नहीं करता, गलती तो हज़रत आदम से भी हुई, लेकिन वो गलती जो फिर बाद में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग ली गई, तकबर नहीं किया, इस तरह अल्लाह वाले दूर भागते हैं गलतियों से, सोच समझ के कोई गलती नहीं करते, इंटेंशनली कोई नहीं करते। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज, कितने गहरे जख्म देती है तारीफ, आपके जहन में सवाल होगा तारीफ भी जख्म देती है, बिल्कुल, तारीफ अगर नालायक आदमी की जाए तो वो बिगड़ जाता है, अपने आप को फरिश्ता समझने लगता है, ऊपर आसमानी मखलूक समझने लगता है, अकड़ जाता है, और फिर तकबर की वजह से उसमें बहुत सी बुराइयां आ जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अल्लाह वाले तारीफ से दूर भागते हैं, ये तारीफ गहरे जख्म देती है, आपके किरदार को बिगाड़ देती है, आपको तकबर पैदा करती है, आपके जिस्म में तकबर, आपकी सोच में तकबर लाती है, जो फिर आपका दुश्मन है,
आपकी सारी अशाइयाँ ख़त्म कर देता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, हम जैसे भी हैं रियासत के कवानीन के पाबंद हैं, उनमें अच्छाई नहीं ढूंढते कि अच्छाई भी है या नहीं है, क्योंकि हम एक मुआशरे में रहते हैं और हमारी ज़िंदगी खुशामदी वाली ज़िंदगी होती है, जिसको भी फॉलो करते हैं मफादात के तहत करते हैं, नेकी हासिल करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह वाला रियासत या दुनिया के बने हुए कानून को नहीं मानता, मानता है तो सिर्फ अच्छाई नेकी या अल्लाह के कानून कवानीन को मानता है, रूल्स ऑफ गुड नेकी वाले कवानीन को मानता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्राम र्यूमर्स फ्रीड, हम आमतौर पर हमारी ज़िंदगी अफवाहों से भरपूर है, हम सुनी सुनाई बात को आगे पहुँचा देते हैं, सोचते भी नहीं कि सच है या नहीं है। र्यूमर्स को बहुत ज़्यादा हम जगह देते हैं अपनी सोच में, अपने ख्यालों में, उसको अपनी ज़बान से आगे फिर बढ़ा भी देते हैं, बगैर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन अबाउट दियर ट्रुथफुलनेस और नॉट। लेकिन अल्लाह वाले की ज़िंदगी अफवाहों से पाक है, मीन्स वो किसी की अफवाहों पे कान नहीं धरता, ना ही अफवाहों को आगे बढ़ाता है, ना ही अफवाहों पे तवज्जो देता है, र्यूमर्स पे, हियर से सुनी सुनाई बातों पे। हुज कॉन्शंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हम जिसका ज़मीर उसके लिए मजबूत पनाहगाह है, हम अपनी मसाइल के हल के लिए इधर उधर भागते हैं, लोगों से मशवरे लेते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारा जो ज़मीर है, हम कभी उसे मशवरा नहीं करते, हम कामल लोग हैं। लेकिन अल्लाह वाले लोग किससे मशवरा लेते हैं? अपने ज़मीर से मशवरा लेते हैं, और ज़मीर उन्हें सही फैसला देता है, सही मशवरा देता है, इसलिए उन्हें सुकून मिलता है अपने ज़मीर से मशवरा करके। और हम दुनिया से मशवरे करके भी फिर परेशान रहते हैं, क्योंकि हम सही फैसले वाले से फैसला नहीं लेते। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, दुनिया में बहुत से लोग फ्लैटरर्स, खुशामदी लोग, अपना पेट पालने के लिए कमजोर मेहनत से आरी, वो अपना गुजारा ही ऐसे करते, पैरासाइट मुफ्त खोरे दूसरों की कमाई पे गुजारा करते हैं, और फिर वो आपकी झूठी सच्ची तारीफ करते हैं, आपकी खुशामद करते हैं। और वो किन के पास जाते हैं? जिनके पास रियासत हो, जागीर हो, मिल्कियत हो, खुशामदी लोग, उन्हीं के घर पे डेरा डालते हैं। लेकिन अल्लाह वाले के पास कोई ऐसी जागीर रियासत तो है नहीं कि इन खुशामदी लोगों का पेट भरे, इसलिए उनके पास खुशामदी लोग नहीं जाते, और वो उन खुशामदी लोगों की गिला से या बुराइयों से बच जाते हैं। नारियून मेक अक्यूजर्स ग्रेट, दुनिया में तकलीफ लेने वाले बहुत हैं, ज़्यादा तकलीफें किनको मिलती हैं? जिनके पास कोई कीमती चीज़ हो। दौलत वालों के दुश्मन भी बड़े होते हैं, बड़े महलों वालों के दुश्मन भी बड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह के वाले के पास सिर्फ अल्लाह के सिवा जो हकीकी दौलत है कुछ और नहीं होता। ज़ाहरी उनके लिए माल मिल्कत ये दिखाने वाले दुनिया वाले स्टेटस नहीं होता, इसलिए तकलीफ़ देने वाले ऑपरेशर्स जो होते हैं वो उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते, रियून नहीं पहुँचाते। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, एक और निशानी, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ हैप्पी लाइफ, एक दूसरी खूबी अल्लाह वाले आदमी की, कि जो अल्लाह की सुबह सवेरे रात को देर से इबादत करता है, सुबह को सवेरे अपनी नींद की कुर्बानी देना, अल्लाह की इबादत करना बड़ा मुकाम रखती है, रात को देर से इबादत करना, तहज्जुद गुजार होना, ये भी बड़ा मकाम रखता है, ये अल्लाह वालों का शेवा है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्ले, वो अल्लाह ताला की रात को देर से और सुबह सवेरे इबादत करता है, कौन? मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ हैप्पी करेक्ट। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी अजमत की वजह से, क्योंकि अल्लाह ही इबादत के लायक है इसलिए वो इबादत करते हैं, लालच की वजह से नहीं। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी अजमत की वजह से, देन गिफ्ट टू लेन, ना कि तोहफे हासिल करने, अल्लाह की नेमतें तो अनलिमिटेड, वो तो वो मिलती हैं, लेकिन
गिफ्ट्स हासिल करने के लिए, रिवॉर्ड्स हासिल करने के लिए, सिर्फ ब्लेसिंग्स हासिल करने के लिए बात नहीं करता अल्लाह का बंदा। अल्लाह वाला अल्लाह की इबादत करता है बिकॉज ही रियली डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड। अल्लाह इज द ओनली डिजर्विंग फॉर अवर वर्शिप। ही इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। ही हैज क्रिएटेड अस, ही हैज गिवन अस एवरीथिंग, वी आर नथिंग। Everything possessed by us is rewarded to us by Allah. इसलिए वो अल्लाह की इबादत करता है उसकी अजमत की वजह से। And entertains the harmless day, harmless not harmful। वो अपना दिन ऐसे गुजारता है कि किसी को हार्म नहीं पहुंचता, harmless है। अपना पूरा दिन गुजार देता है लेकिन किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अपनी जिंदगी गुजार लेता है किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। मोस्टली पीपल स्पेंड देयर लाइव्स इन सच अ वे दैट दे प्रूव हार्मफुल टू अदर्स, दे डिस्ट्रेस ऑपरेस दी अदर्स। बहुत से लोग ऐसे इस तरह जिंदगी गुजारते हैं कि उनका जीना दूसरों के लिए तकलीफ देह होता है, उनकी खुशी दूसरों के लिए तकलीफ, उनका गम भी दूसरों के लिए अजाब होता है। लेकिन अल्लाह वाले की जिंदगी हार्मलेस है। विथ अ वेल चोजन बुक आर फ्रेंड, वो अपना दिन कैसे गुजारता है, घड़ी कैसे गुजारता है, वक्त कैसे गुजारता है, कहता है किसी अच्छी चुने हुए किताब के साथ या फिर अच्छे दोस्त के साथ। विथ अ वेल चोजन बुक आर फ्रेंड, दिस बुक इज फ्री, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा इंसान आजाद है गुलामी वाले ताल्लुक से या गुलामी वाले रिश्तों से। सर्वाइल बैंड्स, बैंड्स मीन्स ग्रुप्स। ऐसा इंसान आजाद होता है सर्वाइल बैंड से, गुलामी वाले ताल्लुका से या टोलों से। फ्रॉम सच पीपल हु डेडिकेट देयर लाइव्स ओनली टू अचीव देयर विशेज एंड डिजायर्स, who always remain servant to their wishes, of hope to rise or fear to fall। Allah wale ko koi umeed nahi ya use upar bahut upar maqam tak jane koi nahi kyunki use wo maqam to milna hota hai, or fear to fall, use koi dar nahi hota pasti mein jane ka। Lord of himself, wo apna rais aap hai, वो किसी का गुलाम नहीं, अल्लाह के सिवा किसी का गुलाम नहीं है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, हालांकि देखो तो उसके पास कोई जायदाद प्रॉपर्टी ज़मीनें मिलकर तो नहीं है, लेकिन वो जिंदगी बादशाहों की तरह गुजारता है आज़ाद ख्याल में। लैंड लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना रईस खुद है, वो किसी की गुलामी नहीं, किसी की गुलामी में कोई गलत काम नहीं करता, अपने असूल नहीं तोड़ता। ही नेवर ब्रेक्स हिज रूल्स, रूल्स ऑफ गुड। एंड हैविंग नथिंग येट हे थॉल, ज़ाहिरन mostly we see that they have nothing, they are empty handed, their pocket is empty, their life is empty, they have no currency notes, no golden ornaments, no property, no lands, but if we think deeply they have everything because they are the men of God, they are awarded everything, whatever they say with their tongues takes place। unki zuban khuda ki zuban ban jati hai, whatever they utter fulfills, jo kuch wo kehte hain ho jata hai। and have nothing yet hit all, उनके पास है तो कुछ भी नहीं, ज़ाहिरन कुछ नज़र नहीं आता, ये इसके बावजूद हेथ ऑल दे हैव एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ है, सोचो तो सब कुछ है। डियर स्टूडेंट्स, द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज व्हेन यू डेडिकेट योर सेल्फ फॉर द गॉड you have then no need of worldly things,
एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज योर्स, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द वर्ल्डली डिजायर्स, टेम्पररी डिजायर्स, ईविल डिजायर्स, फ्लैटरी, र्यूमर्स, लूजिंग योर पेशेंस, डिमांडिंग द प्राइसलेस थिंग्स विच विल बी लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग विल गो विथ यू, योर गुड डीड्स विल गो विथ यू. देयरफॉर द मैन ऑफ गॉड ऑलवेज लव्स गुड डीड्स and whatever is ordered by Allah. His property cannot be seen, though they have a lot. They are more wealthy, rich than the people we see here in this world is lords, because they are the men of God. Whatever they utter fulfills. Jo wo kehte hain wo ho jata hai. Therefore, if you want that we should be beloved of Allah, we should have a special treatment from Allah, then we will must adopt the godly qualities, saintly qualities. Such qualities loved by Allah, liked by Allah, or such qualities as preached by the holy prophets. Dear students, my lecture for today, which was on the second poem, page number 3, The Characters of Happy Life, is over. If there is any question, you must write in the comment box. We will answer it, inshallah. Thanks a lot.